हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो ट्रूली आपके लिए क्या फील करते हैं। कैंडल वॉक्स रीडिंग होगी। अगर आपको कैंडल स्पेल करवानी है, स्पेल मतलब अपने रिलेशनशिप को हीलिंग का या फिर अपनी थर्ड पार्टी रिमूवल का, नेगेटिविटी रिमूवल का, कोई भी आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक काम नहीं करता है तो नाम भी है, वहां से सर्च कर लेना। जो चैनल का नाम है वहीं आपको सर्च करना है। और बहुत फ्रॉड लोग जो है वो मैसेज करते रहते हैं, तो आपको मतलब कॉमेंट बॉक्स में नंबर देते रहते हैं, तो आपको वो नहीं सुनना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पर्सन कि ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, ट्रू डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, मैं इसको लगाती हूँ पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन सेकेंड, फ्लेम रीडिंग में ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छी बात है, कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइक आपके रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भगवान के पास कहीं ना कहीं पहुंच रहा है आपके रिलेशनशिप का जो है। प्रेयर्स, वन सेकेंड, ये प्लास्टिक के हैं। चलो अब देखते हैं। ओके ओके, यहाँ पर ना मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट साइन मिली है जो मैं मिस कर गई। दैट इज, एक तो थर्ड पार्टी और दूसरा जो है आपके रिलेशनशिप में बैलेंस। यहाँ पर मुझे बैलेंस दिखा और मैं उस बैलेंस को मिस कर गई क्योंकि मैं उधर बिजी थी। ठीक है, ओके ओके। तो देखो अभी क्या हो रहा है कि आपके जो पर्सन है ज़्यादा ओपनली अपनी फीलिंग्स जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं करते थे, इन फ्यूचर आने वाले टाइम में वो क्या करेंगे। यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि ये पर्सन आने वाले टाइम में अपनी जो रुकी हुई है ना नो मोमेंट, वो सिचुएशन से वो बाहर निकलेंगे। कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे जो यू नो आपको लगेगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने किया ये चीज़ और मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, चाहे आप जितना भी दूर हो, ये पर्सन आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे गारंटी के साथ, ज़रूर आपसे बात करेंगे गारंटी के साथ। अगर आप दोनों का डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ये पर्सन बात आपसे डेफिनेटली ज़रूर करने वाले हैं। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। वो करते हैं आपको, लिटरली मिस करते हैं, और वो चीज़ वो आपको बताना भी चाहते हैं। आपको वो मैसेज के थ्रू बताना चाहते हैं। एक्चुअली वो आपको कॉल करने के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, तो मैसेज के थ्रू ये आपको बताना चाहते हैं। एक नहीं, चार से पांच मैसेज आपको करना चाहते हैं। और इनके अंदर ना कोई दुख है, लाइक कुछ तो ऐसी चीजें हैं इनके अंदर जो इस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान करती है आपसे जुड़ी हुई। देखो यहां पर इनको जो भी आपसे बात करनी है सोशल मीडिया के थ्रू करनी है। ठीक है, उनको डायरेक्टली मिलके आपसे बात करने में डर लगता है बोलो, या फिर वो करेज इनके अंदर नहीं है। तो सिनारियो ये है कि उनको आपसे बात तो करनी है, बट अभी इस गैप के बाद डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कैसे भी करके। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा मैच्योर होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये इमेच्योरली काफी बिहेव कर रहे थे, तो अभी ये बहुत मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको लगे लाइक अगर उन्होंने भी आपको बोला होगा कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा चाइल्डिश है, थोड़ा खुद को बदलो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये खुद को बदलने की भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थीके?
आपके पर्सन कोई बात आपसे छुपा रहे हैं, कोई तगड़ा वाला बात है जो उनके दिल में है। एक तो वो प्यार या फिर वो जो इमोशंस है उसको वो डेफिनेटली छुपा रहे हैं। उसके अलावा कोई ऐसी भी बात है उनके दिल में जो उनको पता है कि नहीं छुपाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो उस बात को छुपा रहे हैं। अगर वो बोलेंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों हो, अगर वो आके आपके लाइफ में वापस बोलेंगे तो आप कभी बिलीव नहीं करोगे उनका कि तुमने ऐसा किया मेरे साथ, राइट? तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वो चीज जानबूझ के आपको बोलना नहीं चाहते क्योंकि आप गुस्सा करोगे या फिर आप ऐसा बिल्कुल डांट लगा दोगे। आपके पर्सन बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं। ये ना हर चीज का जो एंगल है ये उल्टा समझने लग जाते हैं। आप इनके लिए कोई भी एफर्ट डालो वो उल्टा समझ जाएंगे, ठीक है? वो उसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे और वही इस रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये पर्सन ट्रूली आपको एक हीलर की तरह देखते हैं। लाइक उनको या तो आप हीलर हो या फिर आप हीलर बन जाओगे आगे, या फिर आप में ऐसी क्वालिटी है कि आप हील कर देते हो, आप उनको भी हील कर देते हो, लोग जो होते हैं साथ में उनको भी हील कर देते हो, तो आप में एक बहुत अच्छी हीलर की क्वालिटी है। देखो, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो पेयरिंग है वो तो बहुत अच्छा है। लाइक आप दोनों शायद डिवाइन काउंटर पार्ट हो इनके हिसाब से, और आप दोनों का जो रिलेशनशिप का पेयरिंग है वो एक जैसा है। बट आप दोनों का प्रॉब्लम ये है कि आप में से एक जन जो है अपनी फीलिंग्स को बताता है, दूसरा जन जो है अपनी फीलिंग्स को छुपाता है। आप दोनों में से जो फीलिंग्स छुपाता है ना, वही पर्सन के ऊपर अभी गुस्सा ज्यादा है। मतलब अगर आप फीलिंग्स छुपाते हो तो ये पर्सन आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, अगर वो फीलिंग्स छुपाते हैं तो आप गुस्सा करना जायज है, ठीक है? देखो, इस पर्सन ने कुछ चीजों से तो लेट गो किया है। देखो, आपकी जो 100% यादें हैं, आपको जो पूरी तरीके से मिस करना है वो करते हैं, बट समहाउ मुझे लगता है कि कुछ चीजों को इन्होंने लेट गो किया है। लाइक बहुत सारी चीजों को ये पर्सन याद नहीं करते, कुछ कुछ चीजों को याद करते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको भी पता है अगर हर चीज को याद करेंगे कहीं ना कहीं परेशान वो हो जाएंगे, तो वो जानबूझ के हर चीज को याद नहीं कर रहे। कोई बात को लेकर ये पर्सन आपके सामने स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है? लाइक कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में हो गई होगी और ये पर्सन इज लाइक, मुझे स्टैंड लेनी है, मैं तब भी सही था, मैं अब भी सही हूं। तो इनको अपनी बात को लेके अलग लेवल का स्टैंड लेना है और ये उस चीज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? आपके पर्सन ऐसे हैं। इनके दिल में कोई बात जो है वो बहुत जम गई है, जम के रह गई है, उनको वो बात वो दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। वो बात आपको उनके दिल से निकालना पड़ेगा, अच्छे से बात करके हो, कैसे भी करके हो, निकालना पड़ेगा, ठीक है? देखो, ये पर्सन वैसे तो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस हो जाए चीजें, क्योंकि आप दोनों के बीच में चीजें बहुत खराब है। हो सकता है हाल में बात हुआ हो आप दोनों का, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया हो कि ये जो भी बोल रहे हैं आपको समझ नहीं आया, या फिर ये क्लियरली आपको कुछ बोले नहीं, ठीक है? क्लियरली आपको हर चीज का एक क्लियर करके आपको वो किया नहीं कि हमें यही करना है या फिर आगे ऐसा करना है। देखो, आने वाले वक्त में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके पर्सन अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन था, उनका मूवमेंट धीरे 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 होना स्टार्ट होगा, ठीक है? ये होगा जरूर। और अगर आप दोनों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी था ना, तब भी ये पर्सन धीरे धीरे मूवमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि इनको बिल्कुल मूवमेंट लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वो लेना स्टार्ट करेंगे मूवमेंट।
आपकी पर्सन का मूवमेंट बहुत स्लो होगा, अगर वो बहुत स्पीड आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपसे कोई बात को लेके झगड़ा करेंगे। और अगर स्लोली आते हैं, लाइक 2 दिन बात हुआ, फिर कुछ दिन बात नहीं हुआ, फिर बात हुआ और ऐसे ऐसे चीजें सही हुआ, तो ऐसे ऐसे ही चीजें सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। बट अचानक से आप एक्सपेक्ट करोगे दिन में 5 मैसेज करें, तो इससे कहाँ सुनी होगी, और कोई बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस पर्सन की जो ट्रू डीप फीलिंग है वो ये है कि आपको ये बहुत याद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। 50% जो चीजें हैं वो आपको बोलना चाहते हैं, और 50% वो अपने दिल में रखना चाहते हैं। और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, उनको स्टैंड लेने के लिए मुश्किल है, उनको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए मुश्किल आता है। ठीक है, बट ये पर्सन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे बात करेंगे। ठीक है, जरूर ये पर्सन बात करने वाले हैं। कोई अगर किसी की बात में अगर आप आ रहे हो, लाइक कोई आपको बोल रहा है कि ये पर्सन सही नहीं है, तो उसकी बात मत सुनो। अगर आपका इंट्यूशन खुद का बोल रहा है कि ये पर्सन सही नहीं है, तब सुनो, बाकी किसी की बात में आकर सुनने की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वाओ, यहाँ पर कुछ तो बना है, लाइक एक हार्ट शेप का यहाँ पर बना है आपको। आई डोंट नो दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर एक छोटा सा हार्ट बना है। कहीं ना कहीं आप समझ जाओ ये हार्ट बना है, इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड है। ठीक है, सोल टू सोल सोल कनेक्शन है। चाहे कुछ भी हो, आपका रिश्ता इतना इजीली टूटेगा नहीं। आपका रिश्ता जो पॉइंट पर ब्रेक हुआ है ना, आगे जाके वो जुड़ जाएगा। ये ब्रेक तो आप दोनों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम कार्ड रीडिंग करते हैं। गाइज, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, 1 सेकेंड। रीडिंग के बाद कुछ जो है वो साइन आते हैं, आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। ओके, ये देख लीजिए। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये चीज समझ आ रही है, या फिर स्क्रीन पे क्लियर दिख रही है या फिर नहीं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये देखो, मुझे समझ आ रही है ये चीज। ये यहां पर एक फ्लाइंग समथिंग का, जैसे कोई उड़ रहा है, उसकी जो है वैसे दिख रहा है मुझे, यहां से दिख रहा है। मे बी आपको ना दिख रहा हो, कैमरा है, या फिर आपको पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब 2 चीजें, एक है मूवमेंट। तो ये इस रिलेशनशिप में आगे इस पर्सन का मूवमेंट होगा, ये क्लियरली यहां पर शो हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा एंजल। यहां पर कोई उड़ रहा है, मतलब उसकी जो है पंखे होंगी, और एंजल्स हमारी वैसी होती है। तो आपके इस रीडिंग को, आपके रिलेशनशिप को एंजेलिक ब्लेसिंग मिली है, एंजल्स यहां पर ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई तुम्हारा रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। ब्यूटीफुल, यहां पर एक आंख भी बना है आपको। 1 सेकेंड, ये देख लो, यहाँ पर एक छोटा सा आंख भी बना है। तो इसका मतलब कोई क्रिएचर बना है। ठीक है, कोई क्रिएचर बना है, और जो भी क्रिएचर बना है वो इशारा करता है लाइक फ्लाइंग के ऊपर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। और ये ब्लैक हो गया है, तो डेफिनेटली इसका मतलब कोई नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव एनर्जी आपके रिश्ते में है। ठीक है, या तो वो माइंड की नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी भर गई है, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करवाओ, कड़वाहट रिमूवल के लिए, या फिर किसी ने कुछ किया है। तो बहुत सारे लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए होगा माइंड का नेगेटिविटी। ठीक है, और बहुत लोगों के, कम लोगों के लिए कुछ ना कुछ हुआ होगा, ब्लैक मैजिक जैसा। चलो और देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है। फ्लावरिंग, वही बात है। यहां पर है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस, और नीचे है कंट्रोल, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा।
विद दिस फ्लावरिंग एंड कंट्रोल, डेफिनेटली ये पर्सन अपने दिल को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, दिल में जो फीलिंग्स है उस चीज को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, हर बात को कंट्रोल कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, लाइक खुल के आपको बताएं कि वो क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन ऐसे भी है कि थोड़े से आपको वो प्यार दिखाना चाहते हैं और वो चाहते हैं बाकी आप एफर्ट डालो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। एफर्ट डाल रहे हो तो पूरा पूरा तुम डालो। आप क्यों हमेशा डालते रहो, राइट? मेरे हिसाब से ये गलत है, बट आप अगर एफर्ट बार बार डालना चाहो तो डाल सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है करेज। देखो आपके पर्सन एक तो आपके लिए स्टैंड, जो मैंने बोला कि वो नहीं ले पा रहे थे, वो अभी लेना चाहते हैं। वो दिल के किसी कोने में उनका ऐसा है कि आपको लेकर जहां जहां जो जो उनके सामने किसी ने कुछ बोला है कि आप ऐसा हो आप वैसा हो, जो जो इंसान ने कुछ बोला हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन उनको एक करारा जवाब देना चाहते हैं कि आप कैसे हो, ठीक है, जिस तरीके से वो लोग बोल रहे थे आप वैसे नहीं हो। शायद उस वक्त ये जवाब नहीं दे पा रहे थे या फिर नहीं दिया था, अभी सोच रहे हैं कि जो जैसा बोलेगा मैं उसको करारा जवाब दूंगा आपको लेके, या फिर दूंगी आपको लेके, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन लाइक आपको एक ऐसा इंसान सोचते हैं जो बहुत ज्यादा मासूम है, मासूम इन द सेंस मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, बाय हार्ट बहुत मासूम है ये पर्सन, दिल से आपके लिए खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर चाहे सिचुएशन जितना भी टफ हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाएगी, ठीक है। ये करेज का मतलब भी वही होता है, चाहे जितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, आपका एक्सपेक्टेशन आपको हारना नहीं चाहिए, आप एक्सपेक्टेशन रखो कि मेरा ये काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइटिंग। देखो मैंने बोला था यहाँ पर या तो फाइटिंग हुई है या फिर उनके दिल में कोई फाइटिंग की जो है छाप रह गई है, क्योंकि वो छाप रह गई है तो उनके लिए भी उतना इजी नहीं है जहन से वो चीज निकालना, ठीक है। यहाँ पर लियो काफी स्ट्रांग एनर्जी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिविटी। आपके पर्सन देखो वो आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं जो रोने का हकदार नहीं है, डेफिनेटली ये चीज उनको फील है कि उन्होंने इन पास्ट आपको बहुत रुलाया है, उनके दिल से वो ये चीज सोचते हैं कि इन पास्ट उन्होंने आपको बहुत रुलाया है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उस चीज के वजह से ये पर्सन अभी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी में है, बहुत उनको शर्मिंदा महसूस होता है और ये चाहते हैं कि आपको दुनिया की हर खुशी मिलेगा, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो आप यू नो दुनिया को आप दुनिया से आपको हर खुशी मिले और आप खुश रहो, बस जो जितना रुलाया है इन्होंने आपको, आप बस उसको भूल के खुश रहो अपने लाइफ में, ठीक है। ये दिल से आपकी खुशी चाहते हैं, ना कि लाइक जिस तरीके से उन्होंने आपको रुलाया उस तरीके से सब आपको रुलाए, ये वो नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि आप समझो कि दुनिया में हर इंसान जो है वो सही नहीं होता है, शायद आप वो चीज समझ नहीं पाते हो। चलो और कुछ कार्ड्स देखते हैं। यहां पर है ऑनेस्टी। आपके पर्सन सच बोलना चाहते हैं आपको, ठीक है, उनको पता है कि वो सच बोलेंगे तो आप भी उनके ऊपर बिलीव करोगे, तो ये पर्सन आपको सच बोलना चाहते हैं, दिल में कुछ सच है, ट्रू डीप फीलिंग्स यही है कि मेरे दिल में कुछ सच है और मुझे तुम्हें वो सच बतानी है, ठीक है। अगर आपने भी उनको पूछा था कि सच बताओ तो वो चीज है। नेक्स्ट यहां पर है चॉइसेस। देखो आपके पर्सन के लाइफ में चॉइसेस है, ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में चॉइस नहीं है। नंबर 4 और नंबर 13 है यहां पर, ओके, उनके लाइफ में चॉइसेस है, बट स्टिल ये पर्सन उस चॉइस के ऊपर जाना नहीं चाहते जो चॉइस उनको लाइफ में मिल रहा है, लाइक अदर ऑप्शंस। अगर गए भी हैं तो सेटिस्फाई नहीं है ये पर्सन वहां, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ द यूनिकॉर्न। देखो ये आपके लिए मैसेज है,
आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करना। आपका इंट्यूशन आपको कुछ बहुत अच्छा बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और आपके पर्सन की तरफ से एक और कार्ड लेंगे। मैनिफेस्टेशन, ओके। यहाँ पर है कि अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, करते रहो, वो मिल जाएंगे। और मैनिफेस्टेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है विजुअलाइजेशन और सोचना। आप वही मात खा जाते हो, हर टेक्निक कर लेते हो, जब अच्छी तरीके से सोचने की बारी आती है वो आपके द्वारा नहीं होता है। तो आपको सोच के ऊपर आपका ध्यान देना है, जो भी आप सोच रहे हो उस चीज को लेके। और कहीं ना कहीं उसी तरीके से ही आपके पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है? तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइज।